हे व्हाट्सअप पीपल, मैं सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, अगर आपको 10 लाख के अंदर एक अच्छी एसयूवी कार लेनी है और आप कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि 10 लाख के अंदर बहुत सारी कार आती है और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन से कार के साथ जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जो कि अच्छी एसयूवी कारें आती है 10 लाख के अंदर। इनकी ऑन रोड कीमत 10 लाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इनके अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। इंटीरियर में इनका एक्सटीरियर का लुक भी काफी ज्यादा कमाल का रहेगा। इसके अलावा इनके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज भी मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पर लिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारी कारें आती है 10 लाख के अंदर, तो यहाँ पर मतलब कारों को सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसलिए इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, इसके अलावा इसका पार्ट 2 वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। बिना टाइम वेस्ट कर लेट्स बिगिन द वीडियो। जो 5th पोजीशन पर कार आती है, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अंडर 10 लाख रुपीज, वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। हालांकि ब्रेजा मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है, इसको इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। इसके अंदर मारुति कंपनी ने सिर्फ एक पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। हालांकि 2020 तक इसके अंदर डीजल इंजन दिया जाता था, तो इसके अंदर अब आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो कि है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है। मारुति सुजुकी ब्रेजा लगभग 17 kmpl से लेकर 19 kmpl का माइलेज दे देती है आराम से। और इसके बेस मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में शुरू होती है 7.61 लाख रुपीज से। इसका टॉप मॉडल 11.19 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 4th पोजीशन पर कार आती है, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अंडर 10 लाख, वो है टाटा के पंच। हालांकि रिसेंटली टाटा कंपनी ने पंच को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं। लेकिन टाटा पंच का जो टॉप वेरिएंट है, उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, उसकी कीमत में आपको बाकी कारें मिल जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको टाटा पंच का टॉप मॉडल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप टाटा पंच के बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, या फिर आप इसके एडवेंचर वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो आप कस्टमाइजेशन पैक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि रिदम पैक हो गया, उनके अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे गए हैं और उनको लेने के लिए आपको एडिशनली थोड़े से पैसे पे करने पड़ेंगे। वही टाटा पंच के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है। टाटा पंच की कीमत इंडियन मार्केट में शुरू होती है 5.49 लाख रुपीज से, बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 9.09 लाख रुपीज तक चला जाता है। और रिसेंटली टाटा पंच का क्रैश टेस्ट किया गया ग्लोबल एनकैप के द्वारा, तो यहाँ पर टाटा पंच को 5-स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं। तो यहाँ पर टाटा पंच सेफेस्ट कार है, ये भी काफी तक कमाल की बात है। जो 3rd पोजीशन पर कार आती है, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अंडर 10 लाख, वो है महिंद्रा के XUV300। हालांकि इसको भी सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, ये भी काफी सेफेस्ट कार मानी जाती है। लेकिन इसके इंटीरियर में थोड़े से कम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, लाइक जो बाकी कारों के अंदर फीचर्स दिए जाते हैं, उनके मुकाबले XUV300 के अंदर थोड़े से लिमिटेड फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से XUV300 बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है। कंपनी ने इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा। इसके अलावा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन इसके अंदर दिया जाता है। XUV300 लगभग 17 kmpl से लेकर 20 kmpl तक का माइलेज दे देती है आराम से। इसके बेस मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में शुरू होती है 7.96 लाख रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल 13.46 लाख रुपीज तक चला जाता है। वही जो 2nd नंबर की कार आती है, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अंडर 10 लाख, वो है टाटा के नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन को भी सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं। टाटा कंपनी ने नेक्सॉन के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन डीजल इंजन भी इसके अंदर दिया जाता है। टाटा नेक्सॉन लगभग 16 kmpl से लेकर 18 kmpl का माइलेज देती है पेट्रोल इंजन के साथ। इसके अलावा 21 kmpl से लेकर 23 kmpl का माइलेज दे देती है डीजल इंजन के साथ। तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है डीजल इंजन के साथ। अगर मैं कीमत की बात करूं, तो टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल इंडियन मार्केट में शुरू होता है 7.29 लाख रुपीज से, और इसका टॉप मॉडल लगभग 13.24 लाख रुपीज तक चला जाता है। वही जो 1 पोजीशन पर कार आती है, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है MG के एस्टर। हालांकि MG एस्टर के बेस मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में शुरू होती है 9.78 लाख रुपीज से, और इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 11 लाख रुपए तक चली जाती है। हालांकि इस कार को मैंने इसलिए इंक्लूड किया, क्योंकि इसके बेस मॉडल के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स ऑफर करे गए हैं, जैसे कि टच स्क्रीन
इन्फोटेनमेंट सिस्टम हो गया इंटीरियर में। इसके अलावा प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इसके इंटीरियर में किया हुआ है। बहुत सारे अच्छे खासे फीचर्स इसके इंटीरियर में और एक्सटीरियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर MG Aster का बेस मॉडल काफी हद तक वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक 11 लाख रुपए तक इसका बेस मॉडल चला जाता है ऑन रोड। इसकी अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो कंपनी ने इसके अंदर दो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि 1.3 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी MG Aster के अंदर दिया जाता है। इसके माइलेज रिलेटेड अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब भी इसका माइलेज सामने निकल कर आ जाएगा मैं उसके ऊपर अलग सा वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो यहाँ पर ये 5 कारें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है अंडर 10 लाख। हालांकि MG Aster की कीमत थोड़ी सी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी बेस मॉडल के लिए, लेकिन उसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 वीडियो था, इसका 2 वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, उसके अंदर मैं बाकी कारों को कवर कर लूंगा। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि 10 लाख के अंदर कौन कौन सी बेस्ट SUV कारें आती है इंडिया में।